गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपने जो पहले जो तीन वीडियो आए थे मैथ्स के ऊपर उसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चन भी किए होंगे और असाइनमेंट भी आपके पास आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो आ जाएगा, कई बच्चा अगर कनेक्टेड नहीं हुआ है तो। आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जो इंडिसेस और सर्ड्स, जिसमें बच्चों को बहुत कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो एक बेसिक पार्ट है IIT JEE का, उसको आज अपन देखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले इंडिसेस एंड सर्ड्स एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इंडिसेस को लेते हैं, कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो देखिए, a की पावर m, a जो है यहां पे बेस, m जो है पावर। पावर को अपन हिंदी में जैसे घात भी कहते हैं, इसको आधार कह दिया। a की पावर m का मतलब होता है a into a एंड सो ऑन m टाइम्स, मतलब कि m बार लिखा गया है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है a की पावर m। अब a और m के बारे में अपन नॉलेज लेते हैं, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, a इज वैल्यू ऑफ नॉन जीरो एंड इमेजिनरी वैल्यू एंड नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो a के बारे में आपने देखा, m के बारे में देखा, m की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इंडिसेस के बारे में। अब इंडिसेस जैसे आप लोगों को सबको पता चल गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को देखते हैं अपन। प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, आप सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं। तो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर वन, मैं अगर आपसे पूछूं कि a की पावर जीरो क्या होता है, तो कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वन होता है। सिमिलरली a प्लस बी की पावर जीरो भी वन, एंड सो ऑन, a प्लस बी प्लस सी प्लस एंड सो ऑन प्लस जेड की पावर जीरो भी वन, मतलब किसी की पावर भी जीरो क्या होगा, वन। मेरी पावर भी जीरो, वन। आपकी पावर भी जीरो, वन। तो किसी की पावर भी जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू के ऊपर अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर टू, a की पावर माइनस m, बच्चों उल्टा लटका दो इसको, a की पावर m हो जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री के ऊपर बात करते हैं, a की पावर x इक्वल टू b है, तो वो कन्वर्ट होके a इक्वल टू b की पावर 1 बाई x हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर फोर के ऊपर अपन आते हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर एड हो जाएगी a की पावर m प्लस n। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m, a की पावर n। अब आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो a की पावर m, इसको किया मल्टीप्लाई और पावर ऊपर गई तो माइनस n, और आपको बेस वाला प्रॉपर्टी पता है कि अगर बेस अगर सेम होगा तो पावर एड होगी, लेकिन बीच में प्लस और माइनस क्या बना देगा, माइनस, तो a की पावर में m माइनस n। तो इसको मैं आइडियल प्रॉपर्टी बना के ऐसे लिखता हूं कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई होगा तो यहां पावर के अंदर प्लस आ जाएगा, और जब भी यहां पे डिवाइड होगा तो बीच के अंदर माइनस आ जाएगा। तो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, a की पावर में m माइनस n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो m और n है, वेयर m कॉमा n belongs to R, but A is not equal to zero. अगर A zero हो गया तो इस property के सूत्र साफ हो जाएंगे, तो इसलिए A zero नहीं होना चाहिए, M comma N belongs to R होना चाहिए। तो इसी के respect में property number six, जो कि आपको series के question, जैसे मैंने fraction के अंदर ही बताया था, और भी मैं आपको आगे discuss करूंगा, क्योंकि IIT का mainly मकसद ही series है। आप ये समझिए कि क्वेश्चन जो अच्छा एडवांस के अंदर उठ के आता है वो सीरीज से उठ के आएगा। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार लगा के m की पावर a
एम की पावर बी, एम की पावर सी एंड सो ऑन, एम की पावर जेड। तो देखिए एम बेस हो गया, पावर देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस जेड, ये हो जाएगी कंडीशन। अब देखिए इसके अंदर ही एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, जैसे 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 5। तो देखिए बेस सेम हुआ, पावर ऐड कर दो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 6 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5, बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ये कंडीशन आ गई है यहाँ पे, तो ये 6 की पावर 10 जो है वो अपने क्वेश्चन करके बता दिया। इसी तरीके से इसके अंदर और भी इसकी प्रॉपर्टी है, वो देखिए आप प्रॉपर्टी को, इसमें कुछ इस तरीके से भी प्रॉपर्टी आती है, जैसे देखिए एक्स वाई की पावर एम, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम डॉट वाई की पावर एम, ऐसा भी आ सकता है एक्स अपॉन वाई की पावर एम। तो देखिए एक्स की पावर एम वाई की पावर एम, एक ऐसा भी आ सकता है जैसे ए की पावर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए की पावर पी 1 अपॉन क्यू, ये ऐसे भी लिख सकता हूं ए की पावर 1 अपॉन क्यू की पावर पी, दोनों ही करेक्ट होगा। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे 3 की पावर 2 बाई 5 है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 1 बाई 5, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं 3 की पावर 1 बाई 5 की पावर 2, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखिए आप क्या है, जिसको आपको बहुत अच्छे से यूज करना है और देखना भी है, कहीं पे भी जैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर काम आ सकती है। तो देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में स्टार लगा लीजिए, जैसे ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स ऐसा दिया हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें ए इक्वल टू बी कब होगा, जब इफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो क्या होता है 1 बना देता है। इसलिए अपन लोगों ने यहां देखा है कि a की पावर x इक्वल टू b की पावर x, a इक्वल टू b तब आएगा जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, a की पावर x a की पावर y, तो आप देखिए यहां पे अब अपने को x इक्वल टू y करना है, तो x इक्वल टू y कब होगा, इफ कंडीशन आ जाएगी a की वैल्यू या तो 0 हो एंड a की वैल्यू या तो क्या हो 1 हो एंड एक्स कॉमा वाई ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 होते तो ये खत्म हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ी वैल्यू के ऊपर ये काम करेगा। तो ये आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी देखी इंडिसेस के ऊपर। अब अपन थर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो देखिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। थर्ड्स का एक सिंपल मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, वो देखिए क्या है, हिंदी में इसको करणी कहते हैं, करणी माता तो गए हुए हो आपने देखा होगा। तो देखिए यहां पे सर्ट्स, सर्ट्स का बेसिक मीनिंग nth रूट्स ऑफ a, कैसे n रूट n रूट्स ऑफ a nth रूट। तो देखिए a की पावर जो है वो 1/n, ये इसका बेसिक मीनिंग है। जैसे कि कोई भी ऐसी पावर जिसका परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो है वो नहीं निकलता हो, जैसे आपने 25 का रूट किया तो आपका निकल गया 5 आ गया, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूं जैसे 3 रूट 4, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, तो ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं 5, यहां लिखूं 8, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा 5 की पावर 1/8। तो ये प्योरली जैसे सिंप्लीफाइड जैसे स्क्वायर रूट होते हैं वैसे ही सिंप्लीफाइड नहीं होगा, तो उसको अपन सर्च की फॉर्मेट में नोट करेंगे। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को आप देखिए, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी रूट एक्स यहां आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 2 रूट 3, 3 रूट 3,
रूट थ्री। तो देखिए रूट थ्री तो बाहर आ जाएगा, लेकिन टू प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री, तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, नाइन रूट थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू के अंदर देखिए आप, यहां पे जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है ए इंटू बी इंटू सी, तो इसको मैं रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, लेकिन एग्जाम्पल को मैं उल्टा लेता हूं, मान लीजिए यहां पे रूट टू इंटू रूट थ्री लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे रूट के अंदर एक साथ ही मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये हो जाएगा रूट सिक्स। तो प्रॉपर्टी को यूं बताया, क्वेश्चन को उल्टा करके बताया, तो उसमें भी आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, जैसे रूट ए डिवाइड रूट बी, तो आप इसको एक साथ भी कनेक्टेड करके लिख सकते हो, ए डिवाइड बी रूट के अंदर। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल मैंने लिया रूट 18 डिवाइड रूट टू, तो 18 डिवाइड टू, तो बताइए कितना आ जाएगा, नाइन, और नाइन का कितना आ जाएगा थ्री। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर के अंदर अपन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फोर, फोर के अंदर जैसे कि एम रूट एक्स वाई, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा एम रूट एक्स इंटू एम रूट वाई। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर फाइव, यहां देखिए एम रूट में एक्स अपॉन वाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स एम रूट वाई। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखिए वाई रूट एक्स ए, तो यहां बताओ क्या हो जाएगी कंडीशन, कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट आ रहा है, तो देखिए यहां कंडीशन वाई एक्स वाई रूट में ए, ये कंडीशन चेंज हो सकती है, जैसे कि टू थ्री और सिक्स, ठीक है। तो देखिए यहां मैंने मल्टीपल किया, तो बताओ यहां क्या आ जाएगा, टू और थ्री की मैंने मल्टीप्लाई की, तो सबसे पहले तो ऊपर से चेंज हुआ वन बाई टू, फिर ये चेंज होगा वन बाई थ्री, और आपको पता है वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स, मतलब मैं इसको आसानी से लिख सकता हूं सिक्स रूट सिक्स, और इसको लिख दूंगा सिक्स की पावर वन बाई सिक्स, इज दैट क्लियर। तो ये अपने सर्च की लेकर प्रॉपर्टी भी। इसके अलावा रूट के अंदर दो तरह की चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, एक आता है कॉन्जुगेट और एक आता है रेशनलाइजेशन, तो उसके बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है वो देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने रूट टू प्लस रूट थ्री, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री। उसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, मतलब रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका जो साइन दिया हुआ उसका उल्टा साइन, दैट इज कॉन्जुगेट। इसी तरीके से रेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो रेशनलाइजेशन परिमेयकरण होता है, तो देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं आपको, ए रूट में बी प्लस रूट में सी। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ, ये तो अपने सीखते हैं 9th 10th तक, लेकिन आपको लिमिट के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर भी अगर रूट के अंदर दिया हुआ हो तो उसका भी रेशनलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे ए रूट में बी माइनस रूट सी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट बी प्लस रूट सी, रूट बी माइनस रूट सी, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको, ए रूट में बी माइनस रूट सी, और ए प्लस बी ए माइनस बी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा ये बी माइनस सी। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं, और एक अपन असाइनमेंट के अंदर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा जो आपको घर से करनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड दी सम वन अपॉन में वन प्लस रूट टू, रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फोर एंड सो ऑन अप टू
टर्म्स। इस क्वेश्चन को अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं लेट करता हूं इसको, एस लिखा मैंने 1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस रूट फोर अप टू 99 टर्म्स, मतलब रूट नाइन प्लस रूट हंड्रेड। अब मैं इसका क्या करता हूं कि अगर मैं 1 प्लस रूट टू की जगह मैं रूट टू प्लस वन लिखूं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आगे मुझे रेशनलाइजेशन करना है। तो देखिए रूट टू प्लस वन, रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट फोर प्लस रूट थ्री, रूट हंड्रेड प्लस रूट 99। अब आप एक बात देखो कि जैसे ही मैं इस पार्ट को लेता हूं, अगर मैंने इसका रेशनलाइज किया तो रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, जैसे ही मैं रेशनलाइज करूंगा तो देखिए यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो टू माइनस वन बताओ क्या हो जाएगा, वन, मतलब डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वन आएगी। और रेशनलाइजेशन करने से जो आपको डिजिट नीचे दे रखी है उसका कॉन्जुगेट आपको ऊपर मिलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी इक्वल टू वन अपॉन में a माइनस बी दिया हुआ, तो वही कंडीशन यहाँ पे, जैसे वन अपॉन में a प्लस बी दिया हुआ है तो आप ऊपर क्या लिख सकते हो, a माइनस बी लिख सकते हो। आपको याद होगा तो आइडेंटिटी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक का भी मैं यूज कर सकता हूँ अगर आपको रेशनलाइजेशन नहीं आता है। तो देखिए उस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए रूट टू माइनस वन यहां उसी तरीके से आ जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट टू यहां उसी तरीके से, रूट फोर माइनस रूट थ्री प्लस एंड सो ऑन, रूट हंड्रेड माइनस रूट 99। तो इसी तरीके से देखिए रूट टू से रूट टू कैंसिलेशन हो रहा है, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिलेशन हो रहा है, रूट फोर से रूट फोर भी कैंसिलेशन हो जाएगा, और माइनस के रूट 99 से प्लस का रूट 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो लास्ट में टर्म बच रही है वो बच रहा है रूट में 100 माइनस वन, 100 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो आपका क्या होता है 10, 10 माइनस वन 9। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, या आप मतलब चाहो इन चीजों को तो आराम से अगर इन चार पार्ट को पढ़ के तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप एक असाइनमेंट के रूप में लिखिए डू योर सेल्फ करके। लिखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना, आप ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, लिखिए आप इसके अंदर इफ रूट 10 माइनस रूट 6 रूट 10 प्लस रूट 6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे ही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू ज्यादा आती है तो अपन और बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा। तो ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू फाइंडिंग करनी है आपको, y की करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में करना सिर्फ आपको पता है रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर को आप देखो रूट टेन माइनस रूट सिक्स के ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू को आपको निकालना, बस आपको ये चेक करना है कि रूट 15 का कोफिशियंट आ जाए वाई की वैल्यू और एक्स आपके पास सिंगल टर्म आ जाएगी, तो वो जो आपकी वैल्यू आती है वही आपका इसका आंसर होगा एक्स और वाई की वैल्यू निकलने के बाद, और आपको ये फॉर्मूले सारे आपको याद करवा रखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।